मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूछिए साहब, यूक्रेन से सभी बच्चों को सुरक्षित कब तक निकाल लिया जाएगा? भारत ने जो कदम उठाए हैं वो दुनिया भर के देशों में लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध के चलने के बावजूद भी भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित निकाला गया है। पड़ोसी देशों में भारत के कई कैबिनेट मिनिस्टर्स को वहाँ पर भेजा गया और हज़ारों की तादाद में पहले भी विद्यार्थी कई फ्लाइटों से यहाँ पहुँच चुके हैं और अब आगे भी जो बचे हुए विद्यार्थी उन सबको सुरक्षित वापस ले आएंगे। पिछले 5 साल में आप लोगों ने अनेकों काम किया है, लेकिन एक काम जो है वो शायद से अधूरा दिखा है, सरकारी सेक्टर में रोजगार। तो उसके लिए अगले 5 साल में क्या क्या काम करेंगे आप लोग? पिछले 5 वर्षों में बिना भेदभाव, बिना भ्रष्टाचार 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी, इसके अलावा 3 लाख के लगभग कॉन्ट्रैक्ट पर दी, 3 करोड़ रोजगार स्वरोजगार के अवसर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार ने पैदा किए जिससे लाभ मिला। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट 1,47,000 करोड़ का निर्यात हुआ, तो 25 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी दिए और आगे इसको और दुगना हम करने वाले हैं। अब जैसे निवेश 4 लाख करोड़ पिछले 5 सालों में आया, अगले 5 सालों में 10 लाख करोड़ आएगा और हर परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार दिया। चलिए, अयोध्या और काशी तो कंप्लीट हो गया, मथुरा कब से शुरू हो रहा है? ना केवल धाम बनी, इसके आसपास का आधारभूत ढांचा बनाने का काम भी किया है और उसका लाभ ये मिला है कि यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिला, रोजगार स्वरोजगार को अवसर मिला और बौद्ध सर्किट बनाने के लिए भी कुशीनगर का हवाई अड्डा बना। ये केवल हवाई अड्डा नहीं था, इसमें लोकल प्रोडक्ट्स की बिक्री भी होगी। बौद्ध सर्किट के कारण यहाँ पर लोग पर्यटन की दृष्टि से भी आएंगे। इस तरह से काशी विश्वनाथ धाम हो, अयोध्या का राम मंदिर हो, विंध्यवासिनी धाम हो, ये ना केवल धार्मिक स्थल है बल्कि ऐतिहासिक स्थल है जिनके आसपास आधुनिक सुविधाएँ देकर लोगों को यहाँ पर आने के लिए आकर्षित किया जाता है और लोग समर्पण भाव से आते हैं। इससे उत्तर प्रदेश का पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है और रोजगार स्वरोजगार को भी अवसर मिल रहा है। इस बार कितना सीट? 300 पार। उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले भी 2014, 2017, 2019 में जाति धर्म से ऊपर उठकर जनता ने वोट दिया था और मोदी जी योगी जी ने भी जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण, इसी मूल मंत्र के साथ काम किया है और सब लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर मोदी जी योगी जी को वोट देंगे। ये थे अनुराग ठाकुर जो कह रहे हैं कि इस बार जो है वो 300 पार। और अभी हम लोग क्षत्रिय धर्म सभा से निकल रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने युवाओं के ऊपर सवाल किया, यूक्रेन के ऊपर सवाल किया, उत्तर प्रदेश चुनाव के ऊपर सवाल किया, अयोध्या काशी के बाद मथुरा के ऊपर सवाल किया। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताना। जय हिंद।